हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स प्रिपरेशन। आज की इस क्लास में हम करेंगे सब्जेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की ये हमारी मैराथन क्लास रहेगी एंड यहाँ पर सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद देयर एक्सप्लेनेशन कि किसका क्या आंसर है और है तो क्यों है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम की वेस्टेज के क्वेश्चन नंबर वन से। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बायलिंगुअल क्लास आपकी ये रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड? कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई थी? तो देखिए, इसके अंदर बहुत सारे विद्यालय ओपन किए गए थे और बहुत सारी, देखिए यहाँ पे इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेसिडेंशियल स्कूल्स जो थे अपर प्राइमरी लेवल पर गर्ल्स के लिए, वो गर्ल्स फॉर SC ST एंड OBCs माइनॉरिटीज़ के लिए जो डिफ़िकल्ट एरियाज में है तो उनके लिए स्कूल्स की यहाँ पे घोषणा की थी और वो कस्तूरबा गांधी के काफ़ी सारे स्कूल्स भी ओपन किए थे। तो वो कब आया था, ये स्कीम आई कब थी, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो यहाँ पे ये देखिए, लॉन्च हुआ था अगस्त 2004 में, जो कि इस इन ऑप्शंस में से अगस्त 2004 है ही नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में 2004 ईयर नहीं है। बट अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आप याद रखें कि ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2004 में, ठीक है, नोट कर लें इसको आप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे। राइट टू एजुकेशन 2002 विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड फंडामेंटल राइट? तो राइट टू एजुकेशन जब आया था तो उसने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अपनी जगह बनाई थी, फंडामेंटल राइट बनाया था एजुकेशन को बेसिकली, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, जो राइट टू एजुकेशन 2002 था, ये बेसिकली इसकी पूरी डेट मैं आपको बता देती हूँ। तो उसकी डेट थी December 12, 2002। तो कई बार क्वेश्चन में डेट भी पूछ ली जाती है तो कंप्लीट डेट आप याद रखें, December 12, 2002। और जिस अमेंडमेंट के अंदर ये आया था तो वो था 86th अमेंडमेंट, ठीक है, 86th अमेंडमेंट, ये बिल्कुल याद रखें। विच मेक्स एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर दोज बिटवीन एज 6 से 14 वर्ष के बीच जो बच्चे थे उनके लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हेन वाज द सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? जो सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड है, जिसको हम देखिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहते हैं हिंदी में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। जो भी सही उत्तर आपको लगता है कि ये विकल्प जो है ये उत्तर हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड एस्टेब्लिश? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था ये बोर्ड एंड डिसॉल्वड इन 1923 एज अ मेजर ऑफ इकोनमी। इट वॉज रिवाइव्ड इन 1935 एंड हैज बीन इन एग्जिस्टेंस एवर सिंस। तो अब तक है, और देखिए इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है इसकी, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसकी मतलब आ जाती है कि CABE, इसको कहते हैं शॉर्ट में कि CABE की आप फुल फॉर्म बताइए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो यहाँ पे आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ एजुकेशन इनइक्वालिटी? एजुकेशन के अंदर जो असमानता है, जो शैक्षिक असमानता है, उनके कारण क्या है इनमें से? ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहला है यहाँ पर क्लास डिस्टिंक्शन,
मतलब वर्ग भेद, दूसरा है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक विषमता, तीसरा है इनइक्वालिटी इन एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में जो असमानता है, या वेरियस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, विभिन्न शैक्षिक मानक। तो ये कंसिडर करें, बेसिक आंसर आपको यहीं से बताना है। इंग्लिश वाले, हिंदी में जो स्टूडेंट्स रेफर कर रहे हैं, यहीं से कर ले इसको, ABCD। तो यहाँ पे देखिए, इन सभी कारणों की वजह से, ये सभी रीजन है एजुकेशन इनइक्वालिटी के। 1B है, 2B है, 3B है, 4B है। तो एक ऑप्शन जिसमें सारे ऑप्शंस हैं, दैट इज ऑप्शन 2, ABCD। ठीक है, तो चारों ही है, तो ऑल ऑफ देम हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाज रिवाइव्ड बाय। नेशनल एजुकेशन 1986 किसके द्वारा, देखिए यहाँ पर रिवाइव की गई थी वो आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शंस है मुदालियर कमीशन कमेटी, दूसरा है राममूर्ति कमेटी, तीसरा है कोठारी कमीशन कमेटी, चौथा है ताराचंद कमेटी। सभी के बारे में आपको पता हो, ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से मोल्ड होकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ मैं यहाँ पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वॉज रिवाइव्ड बाय हूम? एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज द 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वॉज मॉडिफाइड इन 1992। कब मॉडिफाई हुई थी? 1992 में ये मॉडिफाई हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा। इन 2005 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी बेस्ड ऑन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। याद रखें, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ हिज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, दैट इज UPA। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 1992 में किसके द्वारा की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा। बट देखिए, किस यहाँ पे कमिटी पूछा है, किस कमिटी के द्वारा की गई थी, तो वो आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो कमिटी थी वो थी राममूर्ति कमिटी, जिसके द्वारा ये कार्य किया गया था। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस आर्टिकल में प्रोविजन है प्रिवेंशन का अनटचेबिलिटी के लिए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अस्पृश्यता की रोकथाम का प्रावधान है? तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मैं आपको बताती हूँ। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17 के अंदर ये प्रावधान है, अधिनियम 17 के अंदर। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, कि अलाउड नहीं है। जो भेदभाव करेगा अनटचेबिलिटी के बेसिस पे, लाइक SC ST के साथ जो होता है, तो वो पहले के टाइम में कुछ ज्यादा ही होता था। जो भी ऐसा करेगा तो वो दंडनीय है, और उसको उसकी जो भी, देखिए, एक सजा बनती है, कार्रवाई होगी, तो वो बिल्कुल की जाएगी। तो यहाँ पे एक लीगल एक्ट ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। मेजर एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड, एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कौन कौन सी है केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियां? पहली है नरेंद्र देव कमिटी, दूसरी है मकुलेज एजुकेशन पॉलिसी, तीसरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, या ऑल ऑफ दी अबव? जो भी सही उत्तर लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें।
तो देखिए यहाँ पे जो नरेंद्र देव कमेटी है ये 1939 में आई थी। ध्यान से सुनेंगे, 1939 में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, अब इसके बाद है मकुलेज एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपने मकुलेज मिनट्स के बारे में पढ़ा हो तो ये जो पॉलिसी थी ये भी इंडिपेंडेंस से पहले आई थी। ये आई थी 1835 में। ठीक है, तो तब तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट थी नहीं, तब ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल करते थे इंडिया को। तो ये जो दो पॉलिसीज थी ये ब्रिटिशर्स के टाइम की हैं। तो जो एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आई थी, तो वो थी सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो है आंसर ऑप्शन थ्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए नरेंद्र देव कमेटी कब आई थी, मकुलेज एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, तो उसके भी ईयर्स याद रखें, इसके बारे में भी बिल्कुल आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, प्रश्न 8 की तरफ। एजुकेशन गारंटी स्कीम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम। देखिए यहाँ पे एजुकेशन गारंटी स्कीम जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनमें से किस स्कीम के बारे में है? मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन या एकलव्य स्कीम? मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार या फिर एकलव्य योजना? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए सभी जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजी है, यहाँ पे लर्निंग पार्ट बहुत है इस लाइक सब्जेक्ट में। आपको डेट्स वगैरह एंड काफी स्कीम्स वगैरह के नाम याद रखने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एजुकेशन गारंटी स्कीम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच स्कीम? तो यहाँ पे देखिए ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये है सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान पे क्वेश्चंस मोल्ड होके और भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया ये बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में लॉन्च हुआ था, यानी कि लगभग 20 साल पहले आज से। और सर्व शिक्षा अभियान देखिए ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो जिसका एम था यूनिवर्सलाइजेशन हो प्राइमरी एजुकेशन का एक टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर। ठीक है, 86th अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसी के अंदर ये था कि मेकिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो बच्चे हैं उनके लिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए ये एजुकेशन स्कीम, बेसिकली ये एक अभियान था कि जिसमें जितने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं कि भाई इस टाइम लिमिट तक, मतलब कि 2010 तक सभी बच्चे स्कूलों में बिल्कुल हो। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर ऑल एंड अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त पर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये स्कीम आई थी। एंड काफ़ी कुछ है स्कीम में, देखिए इसको डिटेल में मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़े, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस देखने को हमेशा मिलेंगे, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड इन द 2408 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री? कब लॉन्च हुई थी? और देखिए कितने ब्लॉक्स में हुई थी, 2408 ब्लॉक्स में हुई थी। ठीक है, और कब हुई वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 डेट्स हैं आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए मिड डे मील स्कीम जब लॉन्च हुई थी तो वो हुई थी 1995 में। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 15th अगस्त 1995 में 2408 ब्लॉक्स में ये जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी। इसको द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता है, बेसिकली दैट इज NP/NSPE। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव था। एंड देखिए आज तक ये स्कूलों में चल रही है और इसके अंदर ना जाने कितने स्टूडेंट्स को, कितने बच्चों को अनाज दिया जाता है, या तो सूखा या पका पकाया खाना जो है वो स्कूलों में दिया जाता है। और अभी लॉकडाउन की स्थिति में तो बेसिकली एक और स्कीम यहाँ पर, मतलब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि इतना राशन बच्चों को अनाज दिया जाएगा, वो अपने स्कूल से आके या
आसपास जो भी एक स्कूल है वहां से ले सकते हैं। तो मिड डे मील स्कीम के अंदर ये था, इसके बारे में जरूर पढ़ें, आपको इंटरनेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है एज अ टीचर फॉर यू टू नो। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की तरफ। हु इज इंक्लूडेड इन द सोशली डिसएडवांटेज क्लास? तो इनमें से कौन कौन सोशली डिसएडवांटेज क्लास में कैटेगराइज्ड है, SC, ST, OBC या ऑल ऑफ देम? जो भी सही उत्तर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सोशली डिसएडवांटेज क्लास के अंदर SCs भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीजिए सभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द रीजन फॉर द लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ द अनप्रिविलेज्ड? देखिए, जो वंचित जातियां हैं, या बेसिकली जातियां नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, वंचित हैं जो शिक्षा से, उनकी कमी का मतलब कारण क्या है बेसिकली, वो आपको बताना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ईजी है ये। द इविल एंड माल प्रैक्टिस स्प्रेड इन द सोसाइटी, समाज में फैली कुरीतियां और कुप्रथाएं। दूसरा है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की गरीबी और अशिक्षा। तीसरा है लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की समस्या। चौथा है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त उपरोक्त सभी। देखिए, ये तीनों ही कारण है, 1, 2, 3 जो मेंशन है, ये तीनों ही कारण है। तो जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 12 की तरफ। विच आर्टिकल बिलोंग्स टू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? विच आर्टिकल्स होना था यहाँ पे, प्लूरल है क्योंकि काफी आर्टिकल्स आपको बताने हैं कि कौन से आर्टिकल्स बेसिकली बिलोंग करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 23 to 24 जो है वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट में बहुत है, समझने वाला कम है, और डेट्स वगैरह, नेम्स, लर्न वगैरह करने वाले, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस सब्जेक्ट में ज्यादा मिलते हैं देखने को। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेड बेसिक ड्यूटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बेसिक ड्यूटीज, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज अगेन, कौन सा अमेंडमेंट था वो जो अभी हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज 86th अमेंडमेंट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वॉज 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड? तो ये कब बना था, कौन से ईयर में, वो पूछा गया है। ये भी अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर एक क्वेश्चन में। तो दिस वॉज डन इन 2002, इन द ईयर 2002। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल्स आर द आइडियल्स दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू फुलफिल, हु सेड दिस? तो ये किसने कहा था, सिद्धांत आदर्श हैं जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई LG खेडेकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू एंटर इंडिया? इनमें से कौन था जो पहली बार इंडिया में आया था, द फ्रेंच, देन डच, पोर्टुगीज? एंड द करेक्ट आंसर इज पुर्तगाली। पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू एंटर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था? दैट वाज पुर्तगाली। प्रश्न 17 यहाँ पर है, अंडर विच आर्टिकल डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉल? डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी स्किप्ड। ये कुछ ऐसा है जिसको जिसपे ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना मिले, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड
जो आर्टिकल जिसके अंदर ये आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, दैट आर आर्टिकल 37 से 51 के बीच, 37 से 51 के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18 की तरफ बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द करेक्ट मिशनरीज कमिंग टू इंडिया। फ्रेंच, डच, डेन, पोर्टुगीज, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, डेन, ब्रिटिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच, डेन, डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, क्रिश्चियन, पोर्टुगीज, ब्रिटिश। एंड द करेक्ट आंसर सीधा उसी पे आते हैं, ऑप्शन टू है। पहले पोर्टुगीज, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया, सबसे पहले पोर्टुगीज आए हैं, देन डच, देन फ्रेंच, देन डेन, देन ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने राज किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट इंडिया बना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन इनमें से कौन था? तो जो थे वो हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 20, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। किस प्राइम मिनिस्टर की मतलब कार्यकाल के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? तो तब जो देखिए प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। प्रश्न 21 की ओर बढ़ेंगे। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वॉज डिवाइडेड इन टू। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये आपको बताना है। क्वेश्चन जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगे दैट दिस ऑप्शन कैन बी द आंसर, सो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। देखिए जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो दे आर 12 पार्ट्स। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। द फर्स्ट एनपीई प्रोमुलगेटेड इन 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। 1968 में जब आई थी तो कार्यकाल था इंदिरा गांधी का, उसके बाद 1986 में आई तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। एंड द सेकेंड पे मैंने बता दिया आपको 86 में। द एनपीई कंटेन्स 12 पार्ट्स एंड कितने पैराग्राफ्स थे ये भी याद रखें। तो देखिए इसमें पैराग्राफ्स थे 157 पैराग्राफ्स, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 157 पैराग्राफ्स इसमें थे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22 की तरफ। व्हेन वॉज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंटेड। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? जो भी सही आंसर लगता है आपको कमेंट बॉक्स में लिख दें, कोशिश जरूर करें। देखिए तो देखिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी 1952 में, सितंबर 23, 1952 में, और इसको पॉपुलरली मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? डॉक्टर एल एस मुदालियर की कमीशनशिप में ये आया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और पर्टिकुलर पूरी डेट याद रखें 23rd सितंबर 1952, ठीक है, याद रखें। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन वर सेट अप बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था? पहला है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डेमोक्रेसी,
दूसरा है इंक्रीजेस बिजनेस एफिशिएंसी, तीसरा है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और चौथा है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। हिंदी में आप ऑप्शंस यहाँ से रेफर करें, लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, दूसरा है व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, तीसरा है व्यक्तित्व का सर्वांगीकरण विकास, थोड़ा सा हिंदी में देख लें, एंड जो भी सही उत्तर लगे वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो सभी है, तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 24 की तरफ। प्रश्न 24 है, हाउ मेनी क्लासेस डिड द मुदालियर कमीशन स्प्लिट द सेकेंडरी लेवल कोर्स, सेकेंडरी लेवल कोर्स में कितनी क्लासेस में स्प्लिट किया मुदालियर कमीशन ने सेकेंडरी लेवल के कोर्स को, वो आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन को स्प्लिट किया था, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन 2, दैट इज इन 7 क्लासेस। कौन कौन सी हैं वो सेकेंडरी लेवल की, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई ताराचंद कमेटी वॉज फॉर्म्ड, ताराचंद कमेटी क्यों फॉर्म हुई थी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, प्राथमिक माध्यमिक उच्च कौन सी शिक्षा के लिए, तो सभी प्रकार की शिक्षा के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और हायर, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो 4 है, विकल्प 4 सही उत्तर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न 26, बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अप टू 14 इयर्स हैज बीन अरेंज्ड। तो दिस वॉज डन बाय आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45 के अनुसार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, हु फर्स्ट सजेस्टेड टू ओपन अ मल्टीपर्पज स्कूल, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नंबर 26, 27 है ये ऑर्डर में अगर हम देखें तो, किसने सजेस्ट किया था मल्टीपर्पज स्कूल सबसे पहले। तो दिस वॉज सजेस्टेड बाय ताराचंद कमिटी 1948-49, ताराचंद समिति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 27 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, व्हेन डिड राइट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब यहाँ पर लागू हुआ था, तो दिस वॉज डन इन ऑन 1 अप्रैल 2010। अब देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंस के कितने सालों के बाद, 2010। क्वेश्चन नंबर 28, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर कंसिडर्ड टू बी रेगुलेटरी डिवाइसेस, इन केस ऑफ पनिशमेंट विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर लाइकली टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी स्कूल एजुकेशन ऑफ रेगुलेशन बिहेवियर। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन एंड इजी बहुत है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, डायरेक्टली मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ, आंसर है ऑप्शन 3, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 29, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द 6 ईयर्स, 6 साल के लिए। तो ये करा गया था आर्टिकल 45 के अंडर, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं उपरोक्त जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें।
क्वेश्चन नंबर 30, टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज, यहाँ पे देखिए एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग टीचर क्या है, शिक्षक क्या है, बॉस है, नेता है, सूत्रधार है, या सभी है इनमें से? बॉस, लीडर, फैसिलिटेटर, क्या है? तो देखिए दो नेगेटिव टर्म्स यहाँ पर हैं टीचर के लिए, बॉस और लीडर, ये नहीं बोल सकते हैं हम। तो फैसिलिटेटर टीचर बिल्कुल है, सूत्रधार है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। और एनसीएफ की फुल फॉर्म आप बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने नहीं बताई है अब तक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑल्दो आपको इजी लग रहा होगा, बट ऐसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 सेज दैट द चिल्ड्रन डू नॉट फेल, दे इंडिकेट द फेलियर ऑफ द स्कूल। बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि वो ये दर्शाते हैं उनका फेल होना कि स्कूल फेल हुआ है, फेलियर स्कूल का है ना कि बच्चों का। एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री? तो बिल्कुल एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। ऐसे क्वेश्चंस वैसे मिलेंगे नहीं, बट अगर कोई आ जाता है तो किस तरीके से, अगर बाय चांस क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं तो आइडिया आपको होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, एलपीजी का मीनिंग क्या है, एलपीजी का क्या मतलब है वो आपको बताना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे इंग्लिश में ही रेफर करें, क्योंकि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस में आपको जरूरत नहीं है हिंदी में रेफर करने की, बिकॉज वो सेम ही रहेगा, बस हिंदी में लिखा होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे है एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब इंट्रोड्यूस हुई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना? तो देखिए जो ये स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी 22nd of January, डेट भी याद रखें, 22nd of January, 22nd of January, ठीक है। और ईयर कौन सा था, ईयर था 2015, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं यहाँ ठीक कर देती हूँ, 2015 में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ 22nd ऑन 22nd जनवरी 2015। कहाँ पर लॉन्च हुई थी, तो ये पानीपत हरियाणा में लॉन्च हुई थी। एंड इसके अंदर एड्रेसेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज CSR एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ओवर अ लाइफ साइकिल कंटिन्यूम। बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे देश में इसकी सख्त आवश्यकता थी, तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 में, आज से 6 वर्ष पहले। एंड इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूंगी, बिकॉज बहुत अच्छी स्कीम थी एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है हम ऐसी जानकारी अपने पास रखें, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वैसे भी हमें बिल्कुल होनी चाहिए इस तरह की जानकारी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ईयर तो आपको बिल्कुल याद रखना, और डेट भी इस पे क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिल सकता है किसी ना किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए इसका गोल था इस स्कीम का, कि जो हमारे देश की बेटियां हैं उनको सही एजुकेशन मिले, और उसके लिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा, आप जो बेटियों की कमी है, जो उनको गर्भ में ही मार दिया जाता है, या हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि बेटियां पैदा नहीं करते हैं कुछ लोग, तो वहां पर ऐसी स्कीम्स को लागू किया जाता है, थोड़ा सा लालच देकर हम बोल सकते हैं इन योजनाओं के द्वारा, कि कोई फाइनेंशियल हेल्प का बोल दिया है। जैसे 12वीं पास अगर लड़की होती है तो एक लाडली योजना है, उसके तहत एक राशि मिलती है पेरेंट्स को, क्योंकि उन्होंने अपने बच्ची को, अपनी गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन 12th तक लेने दी। तो यहाँ पे ऐसा पेरेंट्स करते हैं,
वो राशि के लिए ही करें या कुछ, तो कुछ वर्ग में ये देखने को मिला। तो ऐसी स्कीम्स इसलिए लाई जाती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनके देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन स्कीम्स पे अगर हम देखें तो, बहुत इम्पोर्टेंट। किसी वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्हेन एंड वेयर द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ, व्हेन एंड वेयर द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। हिंदी में प्रश्न देखेंगे, जो भी सही उत्तर लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड द करेक्ट आंसर इज एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज ऑप्शन वन, 22nd एंड 23rd अक्टूबर 1937 इन वर्धा। प्रश्न 35 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। नई तालीम इज ऑल्सो नोन एज डैश मीन्स बेसिक एजुकेशन। नई तालीम, देखिए एक सब्जेक्ट भी बीएड में अब ऐड होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में है, और बहुतों में या तो सब्जेक्ट के अंदर एक यूनिट होगी इसकी, एक पार्ट होगा, एंड डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है नई तालीम के बारे में जानकारी आपको होना, और नई तालीम पे एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पीडीएफ में है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। सो नई तालीम इज ऑल्सो नोन एज डैश मीन्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज बुनियादी शिक्षण, बेसिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, द एज ग्रुप डिसाइडेड टू गेट फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन, तो वेरी इजी, 6 to 14 years। और ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी भी। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमिटी टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड एजुकेशन प्लान एंड सिलेबस। एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए बाकी सब आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी हम जानते हैं, उनको अपॉइंट नहीं किया गया था एज अ चेयरमैन, ना महात्मा गांधी जी को ना एपीजे अब्दुल कलाम को। सो द वन हु इज अपॉइंटेड इज जेके डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस है नहीं, इरेलीवेंट है, वो हमें पता चल जाता है देखते ही, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, ये वाला ऑप्शन 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन, इन नई तालीम डैश टीचर्स वर कंसिडर्ड एज, थोड़ा अधूरा सा क्वेश्चन है, बट बेसिकली टीचर्स को यहाँ पे कंसिडर किया गया था एज अ सपोर्टर्स, ठीक है। नई तालीम में टीचर्स को कैसे कंसिडर, ये हटा देंगे हम यहाँ से, तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षकों को किस रूप में माना गया, शिक्षकों को एक समर्थक यानी कि सपोर्टर के रूप में माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम इन 1937, ईयर प्लीज याद रखें, 1937, टू अचीव वट। तो यहाँ पे अचीव करने के लिए क्या, अचीव करने के लिए ग्राम स्वराज्य। नेक्स्ट इज आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड ऑन, कब एक्ट हुई थी, ये पास हुई थी एक्ट, सो इट वाज पास्ड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मतलब कि 4 अगस्त 2009 में ये जो थी एक्ट वो पास हुई थी, ठीक है। इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स मॉडालिटीज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज्ड बिटवीन 6 to 14 years इन इंडिया अंडर आर्टिकल कौन सा है, 21A के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस है कि 4 अगस्त तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये एक्ट कब हुई थी, तो एड ऑन कर ले अपनी इंफॉर्मेशन में,
सो राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड ऑन लाइक यहाँ पे 4th अगस्त 2009 में इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो ये करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे डेट में, किसी भी ऑप्शन में कर लेते हैं 4th, ठीक है, 4th अगस्त 2009। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स विद व्हाट? आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स, ऑप्शंस रीड करेंगे, जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो आंसर हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, इट रिलेट्स विद राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और 2002 में 86th अमेंडमेंट के अंदर ये ऐड हुआ था एज अ फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज एजुकेशन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट? एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट कब डिक्लेयर किया था? अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2002। आंसर ऑप्शन 1 आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोवाइड कराएं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच है? तो ये है, देखिए ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना केवल स्टेट की है, दोनों की है, तो दोनों की साझेदारी है इसमें, मतलब मिलकर दोनों करेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, द स्टैंडर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर 5 टीचर्स एंड 1 हेडमास्टर? कितने बच्चे होंगे, मतलब कितने बच्चों पे 5 टीचर और 1 हेडमास्टर होगा, दैट इज 5 + 1, तो ये होगा मोर देन 150। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे इस सब्जेक्ट में आपको, देखिए लर्न तो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है इस सब्जेक्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर टीचर्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स, मैक्सिमम 45 टीचिंग आवर्स, मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स, मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर आंसर लगता है जल्दी बताएं। थोड़ी लंबी क्लास है आज की, बट हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे, एंड कहीं पे गलती हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहूंगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, मिनिमम 45 टीचिंग आवर्स हो इंक्लूडिंग प्रिपरेशन आवर्स। इसमें प्रिपरेशन आवर्स भी लाइक जो टीचर बच्चों के लिए प्रिपेयर करती है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन मेंशन्ड इन आरटीई एक्ट मींस, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब कौन सी कक्षा तक है? तो एलिमेंट्री का मतलब होता है 6 से 8वीं तक, ठीक है, 6 to 8th क्लास तक, और प्राइमरी का होता है 1 to 5 तक, सेकेंडरी आपका होता है 9th एंड 10th, और सीनियर सेकेंडरी होता है 11th एंड 12th। तो यहाँ पे देखिए किसी एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका लाइक लिस्ट एक कमेंट बॉक्स में लिख दें, प्राइमरी एजुकेशन 1 to 5, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 8, एंड देन सेकेंडरी एजुकेशन 9th एंड 10th, एंड सीनियर सेकेंडरी 11th एंड 12th, हायर एजुकेशन देन आपकी फर्दर हो जाती है। तो ये लिस्ट लिख दें, मैं पिन कर दूंगी कमेंट को, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लर्न कर पाए। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में मिलते हैं, और कई बार हम बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं, और वहाँ पे इजीली जो हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं वो हम हमारे हाथ से चले जाते हैं, तो इजी चीजों को भी एक बार रिवाइज जरूर करें।
विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2009 टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? कौन सी स्कीम लॉन्च हुई थी मार्च 2009 में इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्कूल? तो वो हुई थी RMSA स्कीम। अब RMSA की फुल फॉर्म क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48, फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन यूज्ड एज एन इंटरवेंशन? भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका एक हस्तक्षेप के रूप में उपयोग किया गया है? और जो सही उत्तर है वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान पे क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे तो इस टॉपिक को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करेक्शन कर लेंगे, ऑफ है ये, ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड SSA इन द ईयर। सर्व शिक्षा अभियान को कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, जब हम सर्व शिक्षा अभियान का फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ UEE? इनमें से कौन सा UEE का गोल नहीं है? तो देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस हो एजुकेशन का बिल्कुल है, यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो, सभी बच्चों नामांकन करा पाए स्कूलों में, यूनिवर्सल रिटेंशन हो, प्रतिधारण हो एजुकेशन का, सार्वभौमिक प्रतिधारण हो, तो ये भी है। लेकिन सार्वभौमिक प्रयास, यूनिवर्सल एफर्ट, ये कहीं ना कहीं एक गोल नहीं है यूई का, कोशिश है, प्रयास है, बट गोल नहीं है। तो यही होगा आंसर आपका, ठीक है? तो काफी लंबी क्लास रही आज की, एंड 50 MCQs हमने किए हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस इस सब्जेक्ट के। क्लास आपको पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है। साथ में देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे टिक करें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम क्लास आती है तो हमें पता नहीं चलता है। जब तक आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करेंगे और वहां पर ऑल पे टिक नहीं करेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोज की जैसे ही डाली जाती है अपने फोन या लैपटॉप पे नहीं मिलेगी। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे टिक करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी, तो ये चीज बिल्कुल करें। कल करेंगे एक और क्लास हम अनदर सब्जेक्ट पे, एंड तब तक के और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।